14 मोबाइल एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है और अब इसके बाद आप इन 14 मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कहीं आप लोग भी इस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल तो नहीं करते थे, क्योंकि जितनी भी भारत सरकार की खुफिया एजेंसियां हैं उनमें ये पाया गया है कि ये जो 14 मोबाइल ऐप्स हैं जिन्हें बंद किया गया है, इन 14 मोबाइल ऐप्स को टेररिस्ट जो है वो इस्तेमाल करते थे और टेररिस्ट इसे इस्तेमाल इसीलिए करते थे ताकि वो मैसेजेस रिसीव और सेंड कर पाए। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो कितना बड़ा खतरा है आतंकवादियों को लेकर हमेशा से ही, और आप ये भी देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीने से ज्यादा आतंकवादियों को जो है वो खत्म किया गया है और हमेशा से भारत सरकार की कोशिश रही गई है कि टेररिस्ट फ्री जो है जम्मू कश्मीर को बनाया जा सके। लेकिन आप जानते हैं टेररिस्ट के एक और लिंक जो है यहाँ पर निकल कर सामने आया है, OGW वर्कर्स, यानी यहाँ पर जो OGW वर्कर्स है वो एक बड़ा थ्रेट माने जा रहे हैं मिलिटेंसी के लिए। जहाँ पर भारत सरकार या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी एजेंसीज, हमारी जिस तरह से हम बात करते हैं हमारी BSF फोर्सेज, हमारे सुरक्षाकर्मी जो हैं वो इन टेररिस्टों को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ लगातार OGW वर्कर्स जो हैं एक बड़ा थ्रेट बने हुए हैं। और इन्हीं OGW से वर्कर से बात करने के लिए कश्मीर घाटी में इन 14 ऐप्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पाया कि ये जो 14 ऐप है ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इन 14 ऐप्स को जो है वो कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। अब ये 14 ऐप जो है वो आपको देखने को कहीं भी मोबाइल या प्ले स्टोर में नहीं मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक किया गया है, और कम्प्लीटली ब्लॉक करने के साथ साथ यहाँ पर बात करते हैं कि अब इनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है वो टेररिस्ट जो है मैसेज रिसीव और सेंड करने के लिए ही किया करते थे पाकिस्तान से। इन टेररिस्टों के साथ बात करने वाले इन 14 ऐप्स को जो है वो बंद कर दिया गया है और ऑन ग्राउंड वर्कर्स पर अब ज्यादा नकेल कसी जाएगी, ऐसा कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये 14 ऐप्स जो है ये सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होते हैं ताकि आतंकवादी गतिविधियों में जो मुलविस है उनसे बात हो सके और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता। ये ऐप बनाए ही इसलिए गए थे ताकि फौरी तौर पर या कि पूरे तौर पर जो है जो इस ऐप को इस्तेमाल करता है उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो और चोरी छुपे वो जो मर्जी जो है वो मैसेजेस करता रहे, इसलिए ऑन ग्राउंड वर्कर के सपोर्ट में इस ऐप को रखा गया था। लेकिन अब भारत सरकार ने इसे सेक्शन 69A के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इसे बंद कर दिया गया है। 14 ऐप्स में बहुत से नाम है, एंजिमा है, सेव विस है, विक्रम है, ब्रार है, बी चैट है, नंद बॉक्स, कैनन, IMO, एलिमेंट, सेकंड लाइन, जांगी, थ्रीमा, एंजमिया, क्रिप वाइसर, इस तरह के ये 14 ऐप है। अगर आप भी इन 14 ऐप्स को इस्तेमाल करते थे तो आज के बाद आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने इस ऐप को जो है कम्प्लीटली बंद कर दिया है। और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसे पहले भी ऐप्स को बंद किया गया है। भारत में जो है सबसे पॉपुलर ऐप्स जो थे वो टिकटॉक था, शेयर चैट, वी चैट, हेलो, लाइक, यूसी न्यूज, बिगो लाइव, यूसी ब्राउजर, जेंडर, कैम स्कैनर, पॉपुलर मोबाइल गेम ऐप लाइक पबजी मोबाइल एंड ग्रीना फ्री, इन सबको जो है वो भारत सरकार ने बंद किया है। और पास्ट फ्यू ईयर में भारत सरकार ने, बहुत सी एजेंसीज ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये पाया कि ये ऐप्स जो हैं वो आतंकवादी इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आतंकवादी जो हैं इन ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए OGW वर्कर्स तक जो हैं वो अपने मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। इसमें OGW वर्कर्स जो हैं वो मैसेज रिसीव करते थे और सेंड करते थे, और ये भी बताया जा रहा है कि इन ऐप्स के जरिए जो ड्रोन के जरिए सामान फेंका जाता है OGW वर्कर जो हैं उस जगह पर इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि इस ऐप के जरिए उन्हें मैसेज आते हैं कि आपका सामान उस जगह पर पहुंच चुका है और अब आप अपने टारगेट को हिट करें, उस सामान को उठाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेजर क्रैकडाउन जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस पर देखने को मिला है, और ये सिमिलर जिस तरह से आपको बता दें कि पिछले दिनों 250 चाइनीज ऐप्स को बंद किया गया था भारत में, और इस बार भी जो है इन सारे ऐप्स को बंद कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बड़ी कार्रवाई आपको कैसी लगी, क्योंकि देश के साथ इस तरह की गद्दारी करने वाले लोग, देश के साथ जो है देश के खिलाफ गतिविधियां करने वाले इन ऐप्स को और इन लोगों पर अब भारत सरकार का एक बड़ा शिकंजा देखने को मिलेगा, और 14 ऐप्स को आज ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये 14 ऐप आपको कभी भी प्ले स्टोर पर नहीं दिखाई देंगे, जबकि पास्ट फ्यू ईयर्स की बात करते हैं, पास्ट फ्यू मंथ्स की बात करते हैं, 250 चाइनीज ऐप को ब्लॉक किया गया था। सबसे ज्यादा मेजर जिस ऐप की बात करते हैं, टिकटॉक जैसे, वीचैट, शेयर इट जैसे जो है ऐप्स को भी बंद कर दिया गया था।